अभी तक डीसी साहब ने हमें जो हमने उनका व्यक्तित्व जो उन्होंने हमारे को दिया है, जो भी उद्बोधन दिया है, उसमें ये बताया गया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो कि 1 जुलाई 2022 से पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाएगा। तो अभी तक तो व्यापारी वर्ग में जो भी दुकानदार भाई लोग हैं उनको यही नहीं पता कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक में क्या आता है। जैसे कि दिल्ली प्रशासन है, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 19 आइटमों की जो लिस्ट है उसमें ईयरबड है, प्लास्टिक स्टिक है, प्लास्टिक फ्लैग है, इस तरीके की डिस्पोजल आइटम्स को ही कंसिडर किया गया है। तो अब सेंटर का या दिल्ली का अलग आदेश है और हरियाणा का अलग है, एक तो ये हमारे को अभी तक सही तरीके से पता नहीं चल पा रहा है कि जो हमारे सेंटर में दिल्ली में नियम लागू करे हैं वही हरियाणा पे भी एप्लीकेबल होते हैं या नहीं होते, और इसकी जगह क्या चलेगा। क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ का सब्स्टिट्यूट नहीं होता, जब तक कोई भी चीज़ बंद करना सफल नहीं हो पाता। सबसे पहले किसी भी चीज़ को बंद करने से पहले उसका सब्स्टिट्यूट दिया जाए व्यापारी वर्ग को, दुकानदार भाई को, क्योंकि आज की डेट में जो भी दुकानदार भाई है उसकी एक मजबूरी है। अगर किसी भी ग्राहक को कोई भी चीज़ डाल के देने से मना करता है तो ग्राहक उसमें रोष उठाता है और वो ग्राहक सामान छोड़ के चला जाता है, वो एक दुकानदार की भी मजबूरी है। तो कृपा करके हम तो प्रशासन से और जो भी अधिकारी हैं उनसे यही अपनी रिक्वेस्ट रखना चाहेंगे कि एक जो भी है किस किस चीज़ पे क्या क्या नियम लागू होते हैं, सभी व्यापारी वर्ग जो भी है दुकानदार भाई सभी प्रशासन के साथ पहले भी रहे और आगे भी रहेंगे। सर, तो प्लास्टिक बैन होनी चाहिए और चारों ओर बिखेर देते हैं लोग, बात फेंक देते हैं, ये बहुत गलत तरीका है। हम प्रशासन के साथ हैं, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक में सबसे पहले तो गुटखा से छोटी छोटी आप कहीं भी देखो दुनिया भर की वो पड़ी हैं, शैम्पूज हैं और कुरकुरे वगैरह हैं, ये जो कैरी बैग वगैरह है या जो भी और पॉलीथिन है वो तो फिर भी कबाड़ी, बहुत छोटे छोटे बेचारे गरीब बीन कर ले जाते हैं और दोबारा दाना बन जाता है। दूसरी चीज़, एक तो ये छोटे छोटी मीटिंग की जाए बाज़ार में, व्यापार मंडल में, कि लोगों को पता लगे बाज़ारों में हर रोज़ कहीं ना कहीं या व्यापार संगठन के माध्यम से बुलाया जाए और सबको प्रेरित किया जाए कि भी किस तरह क्या यूज़ होगा जब ही बंद होने में मजा है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि दुकानदार के ऊपर ओवर एक्सपेंसेस पड़ा हुआ है, कैरी बैग का कोई थैला लाकर तैयार नहीं है। थोड़ा मेरा प्रशासन से यही आग्रह है कि जो भी कैरी बैग ग्राहक मार्केट में ले जाकर पकड़ा जाए उस पर कुछ ना कुछ फाइन होना चाहिए और 10 रुपये का एक थैला दे देना चाहिए। सरकार ने सफिशेंट टाइम दिया है सभी हमारे जो बिजनेसमैन को ताकि हम अपग्रेड करें। ये एक दिन नहीं, आज से एक साल पहले सरकार ने कहा था कि 1 जुलाई 2022 से हम सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म करेंगे। ये हमारी सरकार की भी कमिटमेंट है, यदि वर्ल्ड फोरम की बात करें तो ये सभी के फायदे के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हमने अपनी टीम्स बना दी, सभी SDM हमारे तहसीलदार नायब तहसीलदार सभी जो भी एरिया में लोगों को अवेयर करेंगे, 30 जून तक अवेयर करेंगे। मैंने निगम के भी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो भी अपनी टीम बना के, जॉइंट कमिश्नर्स या बाकी नीचे हमारे जो भी अधिकारी हैं उनकी टीम बना के लोगों को बताएं। और सबसे ज़्यादा जरूरत है कि हमें खुद को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारा एक ये भी हमारी कोशिश आप लोगों के साथ में कैंपेन चलेंगे कि भाई कैरी अ बैग, चाहे जूट का हो चाहे कपड़े।